नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। देश के ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करें और देश के दुश्मनों की अक्ल ठिकाने लगा दें। कुछ लोगों का यह सपना पूरा होता है तो कुछ लोग अपने सपने से दूर रह जाते हैं। एमपी के पन्ना के अजयगढ़ का रहने वाला 25 साल का संदीप दीक्षित, पैरा कमांडो बनना का सपना था इसका, लेकिन कुछ कारणों से ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद इसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो लड़का पैरा कमांडो बनकर देश की सेवा करना चाहता था वो भला आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है। जब संदीप का आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसा काम किया कि इसने आर्मी की वर्दी बनवा ली। इसने पूरी तरह से पैरा कमांडो को दी जाने वाली वर्दी की हूबहू नकल करके वर्दी बनवाई थी। मोनो से लेकर कंधे पर 3 स्टार तक लगवा लिए थे। संदीप वर्दी पहनकर खुलेआम घूमता था और किसी को शक भी नहीं होता था। 1.5 साल पहले संदीप सोशल मीडिया पर भोपाल की रहने वाली एक लड़की के संपर्क में आया था। उसने लड़की को बताया था कि वो पैरा कमांडो में कैप्टन है। इसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों दोस्त बन गए। वो पैरा कमांडो की वर्दी पहनकर कई बार पन्ना से भोपाल लड़की से मिलने भी गया था, लेकिन एक बार आर्मी की खुफिया टीम ने इसको देख लिया और शक के आधार पर इसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब इससे पूछताछ हुई तो इसने चौंकाने वाले खुलासे किए। इसने बताया कि वो अपना शौक पूरा करने के लिए ही पैरा कमांडो की यूनिफॉर्म पहनता है। आर्मी की इंटेलिजेंस टीम ने इसको नहर पर घूमते हुए पकड़ा था। वर्दी पैरा कमांडो की पहना था लेकिन काम किसानी का करता था और पैरा कमांडो के नाम पर लड़की से दोस्ती कर रखी थी। इसके पास से मिलिट्री में होने के किसी भी तरह के कोई भी कागजात नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर वर्दी का उपयोग करने और चाकू रखकर आम जगहों पर घूमने को लेकर अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक जांच में आरोपी के किसी और तरह के संबंध सामने नहीं आए हैं। ये सिर्फ शौक में वर्दी पहनता था। ये पूरा मामला हैरान करने वाला है। आर्मी का अफसर बनकर घूम रहा था और किसी को कोई खबर भी नहीं थी। ऊपर से वर्दी का भौकाल दिखाकर लड़की से दोस्ती भी इसने कर रखी थी। पुलिस पूछताछ में अब तक शौक के अलावा कोई और संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई है। साथ ही केस दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।